नैनीताल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, भले ही बारिश का नामो निशान नहीं है। ये हम हैं सेकंड वीक ऑफ जनवरी में 2024। बहुत कड़ाके की सर्दी है रियली, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी का मेरे पास एक इंतजाम है, आलू मूली गडेरी की भांग डली हुई सब्जी। बहुत ज्यादा बनाई जाती है पहाड़ के इलाकों में, गांवों में तो ये वोग में रहती है। जिस किचन में ये बनती नहीं है उसको पहाड़ी नहीं समझा जाता है, समझ लीजिए। बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। हैम्प सीड्स इसमें डले हुए हैं, आप हैम्प सीड्स का गूगल में जाके सर्च करिएगा क्या क्या फायदे हैं। पूरा कंप्लीट पैकेज है प्रोटीन का, न्यूट्रिएंट्स का, आपकी हार्ट हेल्थ को सही रखता है, आपके ब्रेन हेल्थ को सही रखता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को सही रखता है, आपकी स्किन का पूरा ध्यान रखता है। बहुत ही शानदार इसकी रेसिपी है। चलिए आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या तैयारियां होती हैं। टॉप टू बॉटम जो जो बारीकियां बताई गई हैं उनका आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो ये हैं तैयारियां। देखिए, दो गडेरी ले रखी हैं, दो आलू ले रखी हैं, एक मूली ले रखी है और दो मुट्ठी मैंने ले रखे हैं भांग के बीज। भांग के बीज को पीस लेंगे और इसको गर्म पानी में भिगा देंगे। इनको अब पील करके दिखाते हैं आगे की कार्रवाई। गडेरी और मूली हमने इस तरीके से पील करके काट लिए और यहाँ हमारा भांग पिस रहा है। पानी डाल लिया था हमने भांग में, पानी डाल के इस तरीके से आप भी इसको पीस लें। भांग हो गया है, अब हम आगे की कार्रवाई दिखाते हैं आपको। जो आलू है, आलू मैंने इसलिए नहीं करा, आलू हमारा यहाँ इस तरीके से पड़ा हुआ है। अगर हम आलू को पहले ही वो कर दें तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो आलू, इस वजह से नहीं किया हुआ है। अभी आलू छील के दिखाते हैं। देखिए, भांग पिस के हमारी तैयार होगी। इस तरीके से हम इसको पानी में निकाल लेंगे, दूधिया कलर हो जाता है इसका। बहुत ही बढ़िया जो है भांग की सब्जी होती है, बहुत हेल्दी है, प्रोटीन है इसमें, न्यूट्रिएंट्स तो पूछे मत, इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी जो चेहरे की सुंदरता है स्किन के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है ये। लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल चमचमाने लग गया है। बहुत ज़्यादा सरसों का तेल ना लें, सब्जी के अकॉर्डिंग लें। थोड़ा तेल गर्म होने का इंतज़ार करते हैं, धुआं छोड़ने लगे उसके बाद हम डालते हैं इसमें सब्जी। थोड़ा सा भूनेंगे मसालों के साथ। तेल हो गया है हमारा गरम, अब डालते हैं इसमें सब्जी। सब्जी हमेशा बचा के डालें यार, सरसों के तेल में बड़ा गड़बड़ हो जाता है कई बार। आहा, लूण ले कुछ में पहले डालते हैं हम इसमें थोड़ा सा नमक। नमक कुछ लोग इसमें बहुत बाद में डालते हैं, तीन बार नमक डालेंगे आंख बंद करके, तो नमक कभी ज़्यादा नहीं होगा। अब डालेंगे हमें इसमें सूखा धनिया। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून डालें इसमें, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, हो गई होगी 1 टेबल स्पून। हल्दी इसमें जो पड़ेगी बड़ी लिमिटेड पड़ेगी, 1/4 टी स्पून, ये देख लीजिए बहुत कम हल्दी। और मिर्च स्वाद अनुसार लें, मिर्च भी इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है इसलिए मैंने 1/4 टी स्पून इसमें मिर्च डाली है। इसको बढ़िया से भूनते हैं, जब ज़रा सा तेल छोड़ने लग जाए ये भून जाए तो हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और अपनी पीसी हुई जो भांग है हमारा उसका पेस्ट वो डालेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसको घुमाते रहें और ढक के पकाएं या खोल के पकाएं। अगर आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा है मेरी तरह तो खोल के पकाएं, अगर वक्त कम है, अगर आप बिजी आदमी हैं तब तो भैया ढक के ही पकाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं फिर आगे की कार्रवाई दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे किनारों में तो तेल छोड़ने लग गया है, इसका मतलब ये भांग डालने के लिए तैयार है। और भांग जो है हमारा, ये देखिए गर्म पानी हमने भांग में डाल दिया, दूधिया रंग हो गया है इसका। अब हम इसको छन्नी से छान के डालेंगे, ये देखिए किस तरीके से भांग डलती है। ये
छानने का यह है क्योंकि जो भांग के जो सीड्स रहते हैं ना, उनका जो बाहर का शेल होता है वो बहुत सख्त होता है, ये देखिए। तो इसको नहीं डालना है, बार बार इसको निचोड़ के हैं पानी में हम बार बार डालते रहेंगे। तो बार बार आप इसको, जब तक इसमें दूधियापन निकल रहा है तब तक आप इसे डालें। ये देखिए दूधियापन निकल रहा है ना इसका, ठंड का इलाज है ये। नैनीताल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस तरीके की सब्जी आप इसके सामने, रेस्टोरेंट का अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का मीट, मछली, मुर्गा कुछ भी ले आइए, अगर इस सब्जी ने मात नहीं कर दिया उसे तब कहिएगा। अब ये भर गया है, इसको उबाल आने तक का थोड़ा सा हम स्टर करेंगे, हिलाते रहेंगे, खिरोलते रहेंगे। और डाल रहे हो क्या? हाँ डाल दो। ये देखिए इस तरीके से निचुड़ गया है अच्छी तरीके, अब डालने की ज़रूरत नहीं है, हो गया, ये निकल गया। वाह, थोड़ा सा इसे हिलाना, खिरोलना इसे, डालू से। ये देखिए आहा, बहुत ही हेल्दी चीज़ है रियली भांग। हाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इससे कोई नशा नहीं होता, यह है हमारे संस्कार। इसमें लौट के आ जाए ना आप लोग तो मज़ा आ जाएगा। पिज्ज़ा हट को छोड़ दें, डोमिनोज को छोड़ दें और ये खुमचों में खाना छोड़ दें, जो गंदे गंदे तेलों में खाना बनता है बासी, ऐसा खाना खाएं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अपने शरीर के लिए तो आदमी को ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। थोड़ा उबाल आ जाए तब तक हिलाते हैं इसको, फिर आगे। हाँ आटले गूंदो पे। एक चीज़ और है हमारे पहाड़ में कि गडेरी को बार बार नहीं हिलाते हैं, लेकिन थोड़ा तो हिलाना पड़ेगा ही, अगर गडेरी को बार बार हिलाएं तो पकती नहीं है। आपने मेरा गडेरी मूली की भांग दली हुई सब्जी तो देखी, मैंने ये आलू मूली और गडेरी भांग दली हुई बनाई हुई है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है सर्दियों का। तो ये दिखाना, इस पर भी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। भांग के बेनिफिट्स हैम्प सीड्स के आप गूगल में जाके सर्च करिएगा, तब आपको पता लगेगा कि कितनी हेल्दी ये सब्जी होती है। रोटी के साथ ये खाई जाती है, मडवे की रोटी के साथ खाइए, लेसवे की रोटी के साथ खाइए, गेहूं की रोटी के साथ खाइए। मडवे की रोटी और लेसवे की रोटी का वीडियो भी आपके पास जरूर आएगा जल्दी से जल्दी। सब्जी हो गई है हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार, गर्म हो गई है, इसको लगा देते हैं ढक्कन। कम से कम 15 से 20 मिनट ये ढक्कन में, सिम में पकेगी सब्जी। ढक्कन लगा के सिम कर देते हैं। ये कर दिया हमने सिम, आंच देख सकते हैं आप। यार इस सब्जी का इंतजार ना लंबे टाइम से कर रहा था मैं, विंटर्स में खाई जाती है ये, तासीर इस सब्जी की गर्म मानी जाती है एक्चुअली। 20 मिनट तक का हमने इसका ढक्कन नहीं उठाया था, 20 मिनट बाद ढक्कन उठा रहे हैं और देख रहे हैं इसे कैसा हो रहा है। आय हाय हाय हाय, ढक्कन जब भी उठाएं तो आराम से उठाएं। अभी सब्जी को हमें देख के ही लग रहा है कि ये पकी नहीं है, इसमें एक गाढ़ापन अभी आया नहीं है। जरा सा इसका एक आलू निकाल के देखना, तो वो काट के, हाँ गड्ढी नहीं निकाल लेना, कैसी हो रही है, हाथ से ही कर लो, कितना रहेगी कसर, कितनी बाकी है, अभी है इसमें कसर बाकी। तो अभी इसको जब तक ये गलती नहीं है बढ़िया ढंग से, और जब तक एक अपने आप ही सब्जी पक जाती है तो अपने आप ही अंदाज आता है पक गई है, चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसको और ढकते हैं, और ढक दो इसको कुछ देर, 10 मिनट और रखते हैं इसे, 20 मिनट तो 20 मिनट और रख देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 20 मिनट में पक जाएगी, ये गडेरी पकने वाली है नहीं, मार्केट से ली थी एक्चुअली, इससे पहले तो मेरे पास अच्छी गडेरियाँ थी। चलिए थोड़ी देर बाद इसको और ढक के आपको दिखाते हैं, आप पकने पे ही मैं आपको दिखाऊंगा, अगर बीच में खोलता भी हूँ तो वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे। पूरे 20 मिनट हो गए, हटा के देखते हैं सब्जी को क्या हो रखा है माहौल। पता लग रहा है सब्जी हो गई है, पक गई है। जरा से डाड़ू में कुछ उठाना, तो बिल्कुल पकी भी होनी चाहिए, कच्चापन नहीं होना चाहिए, दिखाओ। बहुत ही बढ़िया गल रही है यार, ये तो गजब की हो गई है, इसको करो बंद, हो गई है। अब इसका करते हैं प्रेजेंटेशन। 40 मिनट में तैयार हुई है सब्जी, लेकिन वो बहुत बढ़िया गई है। देखिए थोड़ा पानी और इसमें डालते हैं, हल्का पानी डालते हैं, इसका सुरुआ बहुत बढ़िया होता है, इसलिए हम गर्म पानी हमने किया हुआ है, थोड़ा पानी इसमें, ये देखिए थोड़ा सा पानी और डालते हैं, ये देखो
किस तरह का होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ा, एक हाथ से सब्जी। वाह, देखो इस तरह का इसका कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी होती है। इसमें नमक चखते हैं, फिर इसका करते हैं प्रेजेंटेशन। करते हैं शानदार अपनी डिश का प्रेजेंटेशन। बहुत ही शानदार हो रही है, जैसे गाँव में खाई जाती है। फ़र्क इतना है बस, इसमें आग में बनती है गाँव में सब्जी। थोड़ा गटेरी मूली भी डालते हैं, कटोरी को ऊपर से भर देते हैं, दिखनी भी तो चाहिए कि गटेरी मूली है। वाह, तो ये है शानदार आलू मूली गटेरी की भांग डली हुई सब्जी। आप इसको रोटी के साथ खाइए और इसका मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे होगा क्या, पूरे नोटिफिकेशन नए वीडियोस के आपके पास इसी तरह की शानदार रेसिपी की तुरंत से तुरंत आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।